मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई घोषणाओं का किया स्वागत, कहा स्थानीय बाजार को बढ़ने का मिलेगा बड़ा मौका। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा बैंकों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का किया जाए पालन, कहा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रवासी श्रमिकों के लिए की जाए बेहतर व्यवस्था। और देश के विभिन्न प्रांतों से रेल के माध्यम से प्रवासी मजदूरों की करवाई जा रही है घर वापसी, घर पहुंचे मजदूरों ने जताई खुशी, चेहरे पर लौटी मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज के संबंध में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा, यह देश की विकास यात्रा को नई गति देगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि MSME या सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा को उन्हीं की बेहतरी के लिए बदला जा रहा है, जिससे कि उन्हें नुकसान का सामना न करना पड़े और बिना नुकसान उठाए उनमें वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि स्थानीय ब्रांड को दुनिया में पहचान दिलानी है। उन्होंने बताया कि MSME सेक्टर को 3 लाख करोड़ तक का बिना गारंटी का लोन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि RBI के ऐलान से बाजार में नकदी आई है। उन्होंने बताया कि उज्ज्वला के माध्यम से 8 करोड़ लोगों को मुफ्त सिलेंडर दिए गए हैं। यू हर्ड द प्राइम मिनिस्टर क्लियरली से दैट दिस इज गोइंग टू बी रेस्टिंग ऑन 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स। 5 important pillars, the economy, infrastructure, technology-driven systems, demography, and demand. So if these are the 5 pillars on which we are trying to build Atmanirbhar Bharat, the focus obviously will be what can be defined as the factors of production of in today's language, factors of production. All of us know that we've been hearing it: land, labor, capital and enterprise. Today we recast it, say it the same way, but then essentially referring to the very same factors of production, but in this Atmanirbhar Bharat, our focus therefore would be on those factors of production which are land, labor, liquidity and law. सबसे पहले COVID-19 को चलते मोदी सरकार ने जो पहला कदम उठाया वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में लेकर आए कि देश के गरीब को भूखा ना रहना पड़े, उसको कोई दुख तकलीफ ना हो। और 1,70,000 करोड़ का यह पैकेज माननीय वित्त मंत्री जी ने आप सबके सामने रखा था। और यही नहीं, कंप्लायंस की कोई दिक्कत ना हो कि आपको कानूनी तौर पर वैधानिक रूप से कोई जो नियमों का पालन कर रहा है उसमें आप रहना जाए तो उसकी भी छूट, 3 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड आपको दिया गया। फिर RBI के माध्यम से भी घोषणाएं हुई जिसमें लिक्विडिटी का फायदा आप सबको मिला, देश के करोड़ों लोगों को। तो मेरा मानना यह है कि रिफॉर्म्स की जब माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हमने बनाना है तो उसके 5 स्तंभ की उन्होंने बात की है, 5 पिलर्स की बात की है, जिसकी विस्तार में उल्लेख माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। मैं एक बात इसमें और कहना चाहता हूं कि ये जो हम इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पहला स्तंभ आधारभूत ढांचा हमारा ऐसा हो जो आधुनिक हो, और यही नहीं हमारे सिस्टम जो है वो 21वीं शताब्दी में हमें विश्वगुरु बना सकें उस लायक हम बनाएं। वाइब्रेंट डेमोग्राफी की हम बात करते हैं, युवा शक्ति को हम राष्ट्र शक्ति और राष्ट्र निर्माण के रूप में लगाएं और उनका लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त मंत्री द्वारा किए गए ऐलानों की सराहना की। माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा MSME सेक्टर को नई ताकत देने के लिए जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, ये वास्तव में भारत की वह ताकत है जिसे प्रधानमंत्री जी ने लोकल को ग्लोबल बनाने की मुहिम को एक नई दिशा देने के सामने उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है।
मुझे विश्वास है कि एमएसएमई सेक्टर में इससे एक नई जान आएगी। एमएसएमई सेक्टर के लिए इस बृहद पैकेज की घोषणा के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से, क्योंकि इसमें सब देश के अंदर सर्वाधिक एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए जो यूनिट हैं हमारे पास हैं, और हमारे प्रदेश में लगभग 3 करोड़ लोग एमएसएमई सेक्टर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, तो इन 3 करोड़ लोगों को भी एक नई ताकत इससे प्राप्त होगी। मैं इसके लिए, इस पैकेज की घोषणा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा है कि बैंकों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। आज लखनऊ में लोकभवन में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रवासी श्रमिकों के लिए बेहतर व्यवस्था की जाए, कोई भी श्रमिक पैदल न चले और न ही भोजन की उन्हें दिक्कत हो। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने के निर्देश दिए और जो सरकारी जमीन है उनका चिन्हांकन कर उद्योगों के लिहाज से तैयार किया जाए। अब तक 268 ट्रेनों और बसों के माध्यम से लगभग 4 लाख प्रवासी मजदूर वापस आए हैं। आगरा, कानपुर, मेरठ में चिकित्सा व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पुनः सभी अधिकारियों को, सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, जो हमारे कामगार और श्रमिक आ रहे हैं उनकी व्यवस्था करने का पुनः निर्देश यह दिया है कि किसी भी रूप में कहीं बॉर्डर पर, किसी जनपद में, किसी सड़क पर या हाईवे पर लोग पैदल ना चलें। उन्होंने ये भी आह्वान किया है कि अन्य प्रदेशों में जो हमारे प्रदेश के रहने वाले श्रमिक व कामगार हैं वो पैदल किसी सूरत में ना चलें। हर हालत में जो है प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार रेलवे मंत्रालय के माध्यम से, अन्य प्रदेशों के माध्यम से सबका सहयोग लेकर जो है रेल की व्यवस्था, बसों की व्यवस्था कर रही है। यानी आज तक 268 ट्रेन ट्रेन्स हमारी आ चुकी हैं और इनमें 3,26,040 व्यक्ति अब तक आ चुके हैं ट्रेनों से। ये संख्या अब 3 लाख से ऊपर हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी हेल्पलाइन से जो निगरानी समितियां हैं उनके कार्य की भी आज समीक्षा पुनः की है और यह कहा है कि इन निगरानी समितियों को और मजबूती से कार्य करने के लिए एक एक निगरानी समिति के जो भी अध्यक्ष या जो भी सदस्य हैं उनसे फ़ोन पर बात की जाए। मेरठ, कानपुर और आगरा के संदर्भ में उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, वहाँ जिला चिकित्सालयों को मजबूत करने के लिए, वहाँ की पूरी चिकित्सकीय व्यवस्था को अपग्रेड करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है और पुलिस विभाग को और जिला प्रशासन को ये भी निर्देश दिया है कि लॉकडाउन को और मजबूती से जो है आगे बढ़ाया जाए। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 1,744 एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में है। वहीं 1,902 मरीज उपचार के बाद घर भेजे जा चुके हैं। 5,405 टेस्ट किए गए हैं। वहीं 268 पूल टेस्ट किए गए हैं जिसमें 22 पॉजिटिव पाए गए हैं। 71,916 टीमों द्वारा 2,96,000 लोगों की जाँच की गई और आरोग्य सेतु ऐप के अलर्ट के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हो रही है, जिनका उपचार जनपद स्तर पर तथा मुख्यालय स्तर पर किया जा रहा है। आज 1,744 और जबकि जो हमारे मरीज जो पूर्णतः उपचारित होकर घर जा चुके, डिस्चार्जेस की संख्या 1,902। कल भी मैंने आपसे बताया था कि ये ट्रेंड प्रारंभ हुआ है, जब हमारे डिस्चार्जेस की संख्या अब जो एक्टिव इन्फेक्शन की संख्या है उसको एक्सीड कर रही है। 5,405 टेस्ट किया गया प्रदेश में, 268 पूल लगाए गए, पूल टेस्टिंग के माध्यम से 1,340 टेस्ट किए गए, 268 में से 22 पूल पॉजिटिव आए। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं विराम। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया।
फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा विराम के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत में कोविड 19 के ताजा आंकड़ों की बात करें तो भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 47,480 हो गई है, जबकि 24,385 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। इसके अलावा 2,415 मरीजों की मौत हो गई है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, इसलिए लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। लॉकडाउन के चलते गुजरात में फंसे 1,299 कामगारों को लेकर स्पेशल श्रमिक ट्रेन बाराबंकी रेलवे स्टेशन पहुंची। अहमदाबाद से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में बाराबंकी के 1,162 लोगों के अलावा आसपास के कई जिलों के लोग भी सवार थे। जिला प्रशासन ने स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी यात्रियों का ब्यौरा दर्ज किया और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया। संदिग्ध श्रमिकों का स्टेशन पर ही कोरोना सैंपल लेकर लखनऊ जांच के लिए भेजा गया। प्लेटफॉर्म के बाहर मजदूरों के लिए लगाई गई परिवहन विभाग की बसों के माध्यम से दूसरे जनपद में रहने वालों को भेजा गया। सभी श्रमिकों के लिए प्रशासन ने खाने पीने की उचित इंतजाम किए हैं। जिले में विगत 5 दिनों में 9 ट्रेनों के माध्यम से 10,000 से अधिक श्रमिकों की अन्य राज्यों से घर वापसी हो चुकी है। अहमदाबाद से बाराबंकी रेलवे स्टेशन पहुंचे श्रमिकों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। वहाँ से मैं लॉकडाउन की वजह से 2 महीने फंसा रहा। वहाँ की सरकार ना खाने की व्यवस्था कर रही थी और ना रहने की कोई हमारे पास कोई व्यवस्था थी, ना कोई आने की व्यवस्था थी। तो माननीय श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे बुलाया है और हम लोग आए हैं और मैं उनका बहुत बहुत प्रशासन और माननीय योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लॉकडाउन की वजह से मैं आना चाहती थी और रास्ते में खाना पानी सब मिला है, यहाँ भी मिला। बहुत खुश हुए सर, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमें वतन वापसी के लिए बुलाया। सर हम अहमदाबाद से आए, अहमदाबाद में मजदूरी करते थे, 2 महीने से फंसे हुए थे सर। हम लॉकडाउन की वजह से खाने का राशन भी नहीं था सर, बहुत बुरी तरह से फंस गए थे। फिर भाई योगी जी का साहस और साहस की वजह से हम लोग अपने वतन वापस आ सके सर, बहुत खुश हैं हम। जी हम अहमदाबाद में थे, हम लोग उधर प्लम्बर का काम करते थे, ठीक है, करीब 250-300 आदमी वहाँ पर। हम लोग 1.5 महीने से बिल्कुल से बर्बाद थे, खाने पीने के लिए दिक्कत, रहने के लिए दिक्कत, वहाँ के मकान मालिक लोग परेशान करते थे भाड़ा के लिए, किराए के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत दिक्कत थी, ठीक है। अभी हम लोग को योगी जी ने बुलवा लिया है, अभी हम लोग अपने यहाँ बाराबंकी स्टेशन पे खड़े हैं। हम लोग को ट्रेन में भी अच्छी सुविधा मिली, कोई दिक्कत नहीं हुआ खाने पीने का। मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही, जिसको देखते हुए शासन ने मेरठ में केजी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के प्लेनरी एवं क्रिटिकल केयर विभाग अध्यक्ष डॉक्टर वेद पाल को मेरठ भेजा है, जिससे जिले में कोरोना संक्रमण पर रोक लग सके। डॉक्टर वेद प्रकाश ने मेरठ में बताया कि कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है, स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। हम सबको इस प्रयास में डॉक्टर और कोरोना योद्धाओं का साथ देना पड़ेगा, सामाजिक दूरी इससे बचने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। उन्होंने बताया कि मेरठ जिले के मेरठ मेडिकल कॉलेज में 24 विभागों की टीम तैयार की गई है, जिन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे मरीजों का इलाज ठीक ढंग से हो सके। जिले के रेड जोन का अलग से डाटा तैयार किया जा रहा है और वहां पर सख्ती से लॉकडाउन का पालन भी कराया जा रहा है। थोड़ा एग्रेशन के साथ में काम करना होगा, जो मेडिकल की सेवाएं हैं, चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए उनको एक इस तरह का ट्रेनिंग दी जा रही है, एक मॉड्यूल्स इस तरह के दिए जा रहे हैं, जिससे कि वो हर स्थिति से अपना बचाव करते हुए निपटने के लिए तैयार हों।
और तत्परता से वो काम कर सकें। इस तरह की ट्रेनिंग जिसमें सारे कंपोनेंट हैं, वेंटिलेटर की ट्रेनिंग है, आईसीयू की ट्रेनिंग है, आपके जो वार्ड हैं उसकी ट्रेनिंग है, ट्रायज और इमरजेंसीज़ की ट्रेनिंग है, होल्डिंग एरिया के लिए ट्रेनिंग है, तो ये जगह जगह हर स्तर पर टीम बना करके और उनके साथ में उनको वेल ट्रेंड करके और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। वाराणसी में कोरोना महामारी को देखते हुए जहां प्रशासन लॉकडाउन लगाकर लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए रोक रही है, वहीं जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए सरकार और जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है और लोगों को जरूरी सामान की आपूर्ति की जा रही है। वहीं वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग की टीम जहां कोरोना पॉजिटिव की देखभाल कर रही है, वहीं घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी भी ले रही है ताकि घरों में अगर कोई बीमार है तो उसे जरूरी इलाज मिल सके और वह बाहर न निकल पाए। ऐसे में घर घर जाकर स्वास्थ्यकर्मी लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। जैसे कि मैं लोगों के मोबाइल ली और उसमें आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया और उनको बताया कि इस पर देखिए, ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक है और इससे आपको कोरोना मरीज के संक्रमित जो हैं उनसे दूरी बनाए रखने के लिए अलर्ट कर रहा है। ये आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये ऐप तो बहुत ही बढ़िया है, मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था, मतलब हम लोगों को ये कोरोना वायरस से बचाने के लिए। अगर हमारे आस पास कोई भी कोरोना वायरस एक्टिव पाया गया ये हमें पहले अलर्ट कर देगी, इसके लिए हमें ब्लूटूथ ऑन करके रखना पड़ेगा और इसमें हमें बचाव के लिए बहुत सारे ऑप्शन भी दिया हुआ है, जैसे कि हम अपना बचाव कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग से हूँ और घर घर मतलब दवा दे रही हूँ, जिसको सर्दी खांसी बुखार या बीपी शुगर जो भी हो वो घर से बाहर ना निकले, हम लोग उनको तक पहुँचा रहे हैं। यही कि लोग घर में रहें, दवाई लेने के लिए भी उन्हें बाहर अन्यथा निकलना ना पड़े। हम लोग घर घर घूम करके ट्रैक कर रहे हैं कोई बाहर से आया है कि नहीं, यदि आया है तो उसको उचित इलाज मिले, यदि किसी को सर्दी जुकाम नज़ला ये सब चीज़ें हैं तो उसको दवा आसानी से मुहैया कराया जा सके, कोई गर्भवती महिला है तो उसको जो इलाज की ज़रूरत है वो दिया जा सके, यही सब चीज़ें। और लोगों में कोरोना को लेके जो भ्रम है उसको हटाएं, उसके बारे में जो सही जानकारी है वो लोगों तक पहुँचाएं। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर लगातार प्रवासी मजदूरों का आवागमन हो रहा है। रेलवे स्टेशन पर कोरोना संक्रमण की सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। घर वापसी कर रहे लोगों ने ट्रेन चलाए जाने के निर्णय पर खुशी जताई है। अयोध्या जाना है कल 1 बजे। खाना पीने कोई दिक्कत नहीं थी, खाली एक ना खाना मिला था जी। हम भावनगर गुजरात से आ रहे हैं, जाना हमको सरेनी इधर रायबरेली की तरफ जी। ये चली थी 1:15 बजे चली थी वहाँ से, जो अभी पहुँची है यहाँ पे लखनऊ, वही जो टाइम हुआ जो 1:30-2 बजे होगा जी। रास्ते में तो बराबर खाना पीना सब कुछ दिया है, खैर कोई दिक्कत नहीं हुआ है, यहाँ पे आते समय भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, बराबर हुई जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। हम भावनगर से आ रहे हैं ना, रायबरेली हमको जाना है, नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं पड़ी। हाँ आराम से। जनपद बलरामपुर में बड़ी संख्या में लोग रोजी रोटी की तलाश में महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पंजाब के प्रदेशों में रह रहे प्रवासी मजदूरों का आना लगातार जारी है। गाजीपुर, गोंडा, फतेहपुर और जौनपुर तक विशेष ट्रेनों से आई बड़ी संख्या में लोग रोडवेज बस द्वारा दिन में एवं देर रात को बलरामपुर पहुंचे या उन्हें जिले की सीमा पर चेक कर क्वारंटीन के लिए भेजा जा रहा है। जिले की सीमा से उन्हें अलग अलग बसों द्वारा उनके तहसील पर भेजा जा रहा है। केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्यों में आने की सुविधा देने के बाद जनपद बलरामपुर में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बलरामपुर पहुंचे लोगों ने सरकार की सराहना की। हम जलंधर से आए हुए हैं और मैं गोंडा तक आया हूं, उसके बाद में वहां से हमको बलरामपुर लाया गया है और हम उतरौला जाना चाहते हैं अपने घर। पानी भी मिला था और खाने को बिस्कुट मिला था और केला मिला था। खाना पीना सब कुछ व्यवस्था ठीक है। हम लोग वहाँ से आए ट्रेन से, आराम से पहुँच गए गोंडा, गोंडा से फिर बस से आया हूँ यहाँ तक। हमें सरकार की सुविधा बहुत अच्छा लगा है और हमें कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। और मेरे को ट्रेन में मिला था खाना पानी मास्क सब कुछ मिला था, बहुत अच्छे में पहुंच गया हूं और मैं मोदी सरकार योगी सरकार को धन्यवाद करता हूं। हमारा नाम राजमन कुमार यादव, मैं महसाना गुजरात से आया हूं, गाजीपुर तक ट्रेन से, गाजीपुर से फिर बस से बलरामपुर लाया गया हूं। ना बस का कोई किराया नहीं पड़ा है। खाने को मिला है अपने को एक पलीटी, पानी बॉटल, एक पार्ले बिस्किट, उसके बाद एक जगह खाना मिला है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं विराम।
फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा विराम के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल NDRF कोरोना महामारी के बीच कोरोना से जूझ रहे डॉक्टरों और सिविल फोर्स के साथ मिलकर महामारी से बचाव के लिए जगह जगह अपने स्तर पर बचाने का काम कर रही है। प्रदेश में विभिन्न जिलों में NDRF की टीमों ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और वायरस से कैसे बचा जाए इसकी जानकारी भी दी। लखनऊ, वाराणसी समेत अन्य जिलों में NDRF की टीमों ने मलिन बस्तियों में जाकर भोजन वितरण के साथ सैनिटाइजर की भी वितरित किए। NDRF की डिप्टी कमांडेंट नीरज कुमार ने बताया कि हमारी टीमें हमेशा से हर आपदा के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन देश में पहली बार किसी वायरस का हमला हुआ है, इसके लिए भी हम तैयार हैं। हमारे पास सुरक्षा उपकरणों से लेकर विशेषज्ञों की टीम क्षेत्र में इस महामारी से बचाव के लिए काम कर रही है, जिनमें डॉक्टर भी शामिल हैं और हमारी फोर्स के लोग भी जगह जगह मौजूद हैं। NDRF इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है। जो अपने माइग्रेंट्स हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में पूरी तरह उनको बताया जा रहा है। जो रेलवे स्टेशंस हैं उनको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन को ज़रूरत पड़ रही है या लोकल कम्युनिटीज़ को NDRF की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ पर हमारे जो हमारी टीम्स हैं वो प्रॉपर बायोलॉजिकल सूट्स में और पूरे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के साथ अपनी टीम वहाँ पर जा रही है, और किसी भी प्रकार की अगर सहायता करने की उनको ज़रूरत पड़ रही है तो प्रॉपर जो है सहायता कर रही है। हमारे पास यूनिट्स में डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, हमारे पास अपनी पर्सनल एम्बुलेंस है, हमारे जितने भी रेस्क्यूअर्स हैं वो सारे मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर हैं, वो किसी भी प्रकार का प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। पंजाब में लॉकडाउन के दौरान फंसे मजदूरों को लगातार सरकार उनकी परेशानी उलझनों को कम करने के लिए उनके घर वापसी का इंतजाम कर रही है। अब तक हरदोई में 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें हरदोई और आसपास के जिलों के पंजाब के चंडीगढ़ और लुधियाना में फंसे 7,500 श्रमिकों को लेकर हरदोई पहुंच चुकी है। इस कड़ी में एक ट्रेन सुबह चंडीगढ़ और दूसरी ट्रेन लुधियाना से 1,300 श्रमिकों को लेकर हरदोई पहुंची। इन सभी श्रमिकों के पहुंचने के बाद डॉक्टरों की टीम द्वारा थर्मल स्कैनिंग की जांच की गई। प्रदेश रोडवेज बसों से उनको गंतव्य स्थान पर बने क्वारंटीन सेंटर पर भेजा गया। श्रमिक ऐसी विषम परिस्थितियों में मुफ्त यात्रा के साथ साथ भोजन पानी के साथ मुफ्त में बस से घर तक पहुंचने के लिए सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। अभी तक 4 स्पेशल श्रमिक ट्रेनों से भी पहुंचे हैं। श्रमिकों से मेडिकल जांच के बाद लगभग 42 मजदूर संदिग्ध पाए गए, जिनकी जांच लखनऊ मेडिकल कॉलेज को भेजी गई। इनमें से अधिकांश की मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। 50-60 दिन से फंसा हुआ था चंडीगढ़ में, गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया है, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे तरीके से भेजा उन्होंने, टिकट भी फ्री दिया, खाना भी दिया, सब कुछ अच्छा से किया है, भेज दिया हमको हमारे गाँव। मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है इस प्रशासन का, मोदी जी का, कि हमारा किराया भी नहीं लगा है, हमें अपने घर सुरक्षित पहुँचा दिया है, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चंडीगढ़ से आए हैं और सरकार का जो हमारी हेल्प की है उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और वहाँ लॉकडाउन में फंसे थे, 2 महीने जब से लॉकडाउन लगा है बहुत परेशानियाँ उठाई हैं, सरकार ने मुझे वापस उत्तर प्रदेश बुलाकर बहुत अच्छा काम किया है। शाजापुर में कोविड-19 के तहत देश भर में हुए लॉकडाउन से गुजरात के जामनगर में फंसे प्रदेश के 38 जनपदों के 1,616 श्रमिकों को लेकर कल शाम 6 बजे एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन शाहजहांपुर पहुंची, जहां जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लगाई गई 65 बसों में बैठाकर उन्हें जाने हेतु OCF मैदान भेजा गया, जहां पर जांच करने के बाद उन्हें उनके घरों को रवाना किया।
जिला प्रशासन व रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेन आने से पूर्व रेलवे स्टेशन व आसपास के एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। शाहजहांपुर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि गुजरात के जामनगर से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन शाहजहांपुर पहुंची है, जिसमें शाहजहांपुर, बरेली, गाजीपुर, फैजाबाद, पीलीभीत, गोरखपुर, बलिया, मुरादाबाद, फरुखाबाद, हरदोई सहित 38 जनपदों के 1616 यात्री हैं, जिनमें से सबसे कम जनपद शाहजहांपुर के मात्र 4 लोग हैं। उन्होंने बताया कि सभी यात्रियों के लिए 64 रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई है। सभी बसों को OCF मैदान में भेजा जा रहा है, जहां श्रमिकों की जांच करके सही पाए जाने पर उन्हें उनके जनपदों के लिए रवाना किया जाएगा। यदि कोई संक्रमित निकलता है तो उसे शाहजहांपुर में ही क्वारंटीन किया जाएगा। और इसमें 1616 प्रवासी मजदूर हैं जो विभिन्न जनपदों के हैं, इनको इनके संबंधित जनपदों में बसों के माध्यम से भेजा जा रहा है। 38 जिलों के लोग हैं इसमें जो विभिन्न जनपदों को भेजे जाएंगे। अभी इनका हेल्थ चेकअप हो रहा है, हेल्थ चेकअप होने के उपरांत इनको फूड पैकेट्स दिए जाएंगे और इसके बाद पानी की बोतल इत्यादि देकर जो स्वस्थ हैं उनको यहाँ से इनके गंतव्य जनपदों के लिए भेज दिया जाएगा। वहाँ पुनः इनका चेकअप होगा और इसके बाद आवश्यकता अनुसार इनको होम क्वारंटीन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। रामनगर में वहाँ से बरेली मुझे जाना है, बरेली से फिर मुझे हाईवे वो वहाँ पड़ता है नवदिया, इधर चंदपुर डोरिया वहाँ पे मुझे जाना है। वहाँ से पहले लाइन लगा था सी होटल के पास, वहाँ से फिर नंबर से किया था, फिर वहाँ से नंबर लगा, फिर बस पे बैठाया, फिर वहाँ से बस पे बैठा के फिर मुझे जामनगर लाया। जामनगर में आधार कार्ड का चेकअप वकअप हुआ, फिर वहाँ से फिर मुझे ट्रेन पे बैठाया। गुजरात जामनगर में फंसे थे तो वहाँ पर लॉकडाउन लग गया था, तो कंपनियाँ सारी बंद होने लगी, तो हम लोग बैठे ही रहे थे। जो सरकार ने वहाँ के अच्छा काम कराया था, हमें राशन पानी भी दिया और कंपनी वालों ने राशन पानी दिया था, सब कुछ ठीक रहा। और फिर जब ट्रेनें लगने लगी तो हमें पता चला ट्रेनें लगी हैं, तो हमने अपना फॉर्म अप्लाई किया तो हम सुरक्षित बिल्कुल यहीं पहुँचे हैं अपने स्थान पर। अब इंशाल्लाह घर भी पहुँच जाएंगे, सरकार ने बहुत अच्छे इंतज़ाम कराए। जामनगर से आए हैं, परेशानी होता है इसलिए उधर जामनगर वालों ने बैठा रहा था हम लोगों को, तभी उनने पूरी सेवा करके जब उनने बैठा रहा था हमारे लोगों को तब हम आ पाए हैं इधर। गुजरात के बड़ोदरा से प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल श्रमिक ट्रेन बांदा रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन में 13 जनपदों के कुल 1908 मजदूर सवार थे। ट्रेन में सबसे अधिक 971 मजदूर लखनऊ के थे। इन सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग के बाद रोडवेज की 73 बसों के द्वारा उनके गृह जनपदों को भेजा जा रहा है। गुजरात के बड़ोदरा शहर से 1908 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन बांदा रेलवे स्टेशन पहुंची। इसमें चित्रकूट धाम मंडल और झांसी मंडल के सभी जनपदों सहित 13 जनपदों के श्रमिक भी सवार थे। बांदा पहुंचने पर पुलिस स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सभी श्रमिकों की जांच पड़ताल और थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इसके साथ ही इनके खाने पीने की व्यवस्था करने के बाद सभी को परिवहन विभाग द्वारा लगाए गए 73 बसों के द्वारा उनके गृह जनपदों में भेज दिया गया। और मैं बड़ोदरा से आ रहा हूँ और मेरे को जाना है वो अरावली जाना है, और वहाँ के खाना पीना का व्यवस्था अच्छा था और हम लोग अच्छे से आए हैं, अच्छे से आ रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए मोदी का धन्यवाद। मैं बड़ोदरा से आ रहा हूँ क्योंकि मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे को ऊँचा हार के पास राव रैली और प्रतापगढ़ के बॉर्डर पर रहते हैं, वहीं पर जा रहे हैं। जो स्टेशन पर मेरे को सभी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं थी, इसके लिए बहुत बहुत आभार है मोदी जी, उनके लिए बहुत शुक्रिया। हम जितना कहेंगे उनके लिए बहुत सारा कमी है। बड़ोदरा से आ रहे हैं, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी। 4 बजे कल 4 बजे आए हैं और आज यहाँ 7 बजे उतर गए हैं। दीदी से बहुत खुश है, हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार। इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।